नमस्कार, डीबी भारती समाचार देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर से शीघ्र शुरू होगी बिहार पंजाब और राजस्थान के लिए सीधी बस सेवा, यूपी सरकार ने दी हरी झंडी। अखिलेश ने बनाई कल्याण से दूरी लेकिन अर्पणा ने रिश्तों को दी तरजीह। मामला गरमाया तो शिवपाल पहुंचे अलीगढ़। केंद्रीय मंत्री का अपनी ही सरकार पर निशाना, बोली राजनाथ सिंह ने किया था ओबीसी जनगणना का वादा, पूरा करने में क्या दिक्कत। तालिबान की जीत पर निकले अफगान कमांडर के आंसू, बाइडेन गनी को बताया धोखेबाज, बताई हार की पूरी कहानी। कांग्रेस का तंज, मुख्यमंत्री पद पाने का सपना लेकर दिल्ली लौटे अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 महीने पहले 3 बच्चों को लेकर दवा खरीदने निकली महिला घर वापस नहीं लौटी। उसके पति ने ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए एसएसपी से कार्यवाही की मांग की है। दरअसल मीरगंज थाने के गांव मोहम्मदगंज निवासी हरिओम पुत्र महेंद्र सिंह ने एसएसपी को शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी प्रिया सिंह 23 मई को 3 बच्चों के साथ दवा लेने के लिए घर से निकली थी लेकिन वो वापस नहीं लौटी। उसने पत्नी और बच्चों को तलाशने की कोशिश की लेकिन उसका पता कुछ नहीं चला। तब उसने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हरिओम ने अपने ससुरालियों पर ही पत्नी और बच्चों को अगवा करने का आरोप लगाते हुए बताया कि 2 महीने तक प्रिया सिंह के गायब होने के बावजूद उसके मायके वालों ने किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं जताई और न ही थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। हरिओम ने उन्हीं पर पत्नी और बच्चों को गायब होने का आरोप लगाया और आग्रह किया कि पुलिस रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसके पत्नी और बच्चों को तलाशने की कोशिश करे। उन्होंने आशंका जताई कि ससुरालियों ने ही उसके बच्चों को अपने कब्जे में रखा है। उसने एसएसपी से कार्यवाही की मांग की है। जी हरिओम सिंह, क्या मामला है, कहाँ बच्चे? मामला ये है, मेरे बीवी जो दवा लेने आई थी, ठीक है, आज 26/6 से लापता है, कोई पता नहीं है उसका कहाँ पर है। वो लास्ट में मिनी बाईपास पे देखी गई थी। बताने वालों ने बताया कि हाँ, हमने जाते हुए बच्चों के साथ में देखी है मगर मुझे ये पता नहीं लग रहा है किधर गई, कहाँ पर है, कौन ले गया कौन नहीं ले गया। जी 3 बच्चे हैं, वो एक लड़की है और 2 लड़के हैं। लड़की का नाम है मधु उर्फ अंशु और लड़कों का नाम है देव और राघव। अभी तक तो कोई पता नहीं लगा, कोई पता नहीं लगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कोई शक किसी पे, कोई शक नहीं है। फिरोजाबाद के नगर आवास विकास कॉलोनी में श्री प्रयाग महिला सशक्तिकरण सामाजिक संगठन द्वारा गरीब असहाय बच्चों के लिए निःशुल्क पाठशाला का शुभारम्भ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजब सिंह यादव और विशिष्ट अतिथि विवेक यादव मौजूद रहे। गरीब और असहाय लोगों का नाम सुनकर जहां एक ओर सभी निजी स्कूल उनके दाखिले करने में हिचकिचाते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षित करने की सोच श्री प्रयाग महिला सशक्तिकरण सामाजिक संगठन की प्रबंधक संगीता शर्मा ने अपने दिल में उतारी है। उन्होंने आज नगर आवास विकास स्थित निशुल्क महिला केंद्र के परिसर में निशुल्क गरीब निर्धन बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला का शुभारंभ किया। पाठशाला के कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा निशुल्क पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने आए बच्चों को निशुल्क शिक्षा सामग्री भेंट की गई। आज का प्रोग्राम मैंने जो झोपड़ झुक्कियों में रहने वाले बच्चों को देखा था, जब मैंने सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया था उस समय, तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे भी जरूरत है इस चीज की, क्योंकि काफी लोग शिक्षा तो दे रहे हैं मगर उसका लाभ बच्चे उठा नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने सर्वे करके देखा कि कुछ माँ बाप भी कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, हमने सर्वे किया उस समय। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम लोग मिलकर कॉपी किताबों का इंतजाम करेंगे, इनके बच्चों को कॉपी किताबें देकर बांध कर एक प्रोग्राम रखते हैं और उस जरिए से इनको बुलाएंगे। तो मैंने बच्चों का पाठशाला खोलने का निर्णय लिया, इसलिए मैंने आज का ये प्रोग्राम रखा। उसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर अजय सिंह यादव सर आए थे और मुख्य अतिथि में भैया विवेक भैया भी हैं और ये राकेश यादव, बाकी सभी पत्रकार भैया ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया और सभी मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जितनी मेरी महिला टीम है वो मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, इन्हीं के लोगों से मैं आगे बढ़ रही हूँ।
वदायूं के आबला मार्ग पर स्थित ग्राम ललेई के निकट टेम्पो और ट्रक में जबरदस्त टक्कर होने के बाद टेम्पो में सवार 6 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई एवं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और ट्रक कई बार पलटकर खाई में गिर गया। थाना पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। कुमर गांव से मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो वाला कुमर गांव से टेम्पो में सवारी भरकर वदायूं ला रहा था। ट्रक चालक चंदौसी से कोयला भरकर पंजाब जा रहा था। ट्रक ने टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी। इमलिया थाना कुवर गांव जिला वदायूं एवं एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और बाद में पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया है। समाजवादी पार्टी महान दल के गठबंधन पर यूपी में लड़ेगी चुनाव। समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर पार्टी के द्वारा यूपी में जनाक्रोश यात्रा एटा विधानसभा से शुरू होकर जलेसर विधानसभा, मारहरा विधानसभा से होती हुई अलीगंज विधानसभा पर समाप्त हुई। एटा के विधानसभा 105, मारहरा के कद्दावर भावी प्रत्याशी रंजीत सिंह यादव मैदान में उतरे। यात्रा के दौरान 200 गाड़ियों के काफले में हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। वहीं विरोधी उम्मीदवार के छूटे पसीने, महान दल द्वारा एक नया नारा दिया गया। महान दल ने ठाना है सपा सरकार को बनाना है। आज महान दल की जनाक्रोश यात्रा समाजवादी पार्टी को 2022 में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सबसे मोहर ने आज निकाली है, जिसका समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, महाराजा विधानसभा से करीब हजारों कार्यकर्ता उस रैली में जनाक्रोश यात्रा में शामिल होने के लिए महाराजा विधानसभा से जलेसर की तरफ जा रहे हैं। रैली कहाँ से लेकर कहाँ तक निकलेगी? रैली जलेसर विधानसभा से लेके महाराजा विधानसभा, एटा विधानसभा होते हुए अलीगंज विधानसभा में खत्म होगी। लगभग कितने लोग शामिल रहेंगे इस रैली में? कम से कम 10,000 आदमी रैली में शामिल। इटावा मिशन शक्ति उत्साह सहायक नर्सिंग अधीक्षिका को और उर्वशी दीक्षित को जिला अस्पताल में किया गया सम्मानित। मिशन शक्ति अधीक्षिका को राजकीय सम्मान मिला। जिला अस्पताल में बुधवार को सहायक नर्सिंग अधीक्षिका को मिशन शक्ति के तहत मिले राजकीय सम्मान के उपलक्ष में उनके लिए विशेष सम्मान समारोह रखा गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि प्रदेश सरकार मिशन शक्ति कार्यक्रम के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही है, महिलाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित कर रही है। मुझे हर्ष है कि जनपद की उर्वशी दीक्षित को ये सम्मान मिला। मैं उनको बधाई देता हूँ। जिस तरह से इटावा में पंचनदा विश्व प्रसिद्ध है, उनके निर्देशन में और हम सब के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने की एक नई गंगा बहे, यही मेरी कामना है। उन्होंने कहा, जिला स्तर पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाले अन्य कर्मियों के कार्यों को सीफार के सहयोग से मीडिया में प्रसारित किया जाएगा और उनके कार्यों को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। कोई ऐसे कर्मचारी का नाम बताया जाए जिसने कि बहुत उत्कृष्ट कार्य किया हो। मैंने बहुत सारे लोगों से परामर्श किया, देखा, सब तरफ से मुझे सिर्फ एक ही नाम मिला, वो था सिर्फ उर्वशी जी। बहुत गर्व हुआ जिस दिन इनका नॉमिनेशन आया स्टेट लेवल से कि हमारी उर्वशी जी को चयनित किया गया है सम्मानित करने के लिए। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए और पूरे जनपद के लिए गर्व की बात है कि कम से कम हमारे जनपद से एक कर्मचारी को हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मानित किया। मैं उनके सम्मान में, मेरे पास शब्द नहीं है, मैंने सुना जरूर है इनके बारे में, कुछ देखा भी था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ आए हुए। मैंने कोविड काल में इनको देखा था, इनकी कोविड में ड्यूटी ना होते हुए भी इनकी जैसे 2 से 8 से 2 में इनकी जहाँ ड्यूटी थी
उसके बाद जितना भी इनके पास टाइम बच जाता था L2 में जाके इन्होंने काम किया। मैंने इसी जनपद में उन लोगों को भी देखा है जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो लोग काम करने से कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, और इनकी ड्यूटी ना होती हुए भी इन्होंने ऐसी परिस्थितियों में जहाँ की कोई आदमी पसंद नहीं कर रहा था जाना, और इन्होंने जाके वहाँ लोगों की सेवा की, अपना योगदान दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे आदमी को हमारे प्रदेश लेवल पर नहीं हमारे राष्ट्र लेवल पर भी इनको सम्मान किया जाना चाहिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।